अरे कौन है, उठाता हूँ। हेलो, अरे कौन बोल रहा है तू? मैं इंडियन हूँ, इंडियन। अगर तू इंडियन है तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी। चिल्ला मत। चिल्लाऊंगा और जोर जोर से चिल्लाऊंगा हिंदुस्तानी। क्या कर लेगा तू मेरा? गर्दन उखाड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे गर्दन उखाड़ देगा? इधर देख, मेरे पास बंदूक है, बंदूक, वो भी AK-47। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। अरे ये खिलौना नहीं, बंदूक है, बंदूक। मैं सही बता रहा हूँ। गौर से देख। अब यार मैं तेरे को कैसे समझाऊं? चल छोड़, अगर तू मेरी गर्दन उखाड़ना चाहता है ना, तो कल शाम को आ जाना बॉर्डर पे और मार देना मुझे। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। अरे ऐसे कैसे मारेगा मेरे आदमियों को? कल रात को भी किसी ने बॉर्डर पे मेरे आदमियों को मार मार के ईंटड़ा बना दिया। क्या तूने मारा था मेरे आदमियों को? हाँ हाँ, मैंने मारा उन्हें। अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। अरे यार ये जो थोड़ी ना होता है, एक तो हम गरीब आदमी है, ऊपर से तुम हिंदुस्तानियों ने बंटवारे के वक्त हमें कुछ नहीं दिया। अगर दिया हो तो बताओ। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। भाई रहने दे यार, जो हुआ सो हुआ, अब क्यों बेइज्जती कर रहा है हमारे पाकिस्तान की? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। यार ये बात तो सही बोली तूने। अभी कल ही राशन की दुकानों पर आटे के लिए लड़ रहे थे लोग, लेकिन देखा जाए तो तेरी भी कोई ज्यादा इज्जत नहीं है मार्केट में। मैं जानता हूँ तू गुंडा है, तूने एक दिन में 3-3 खून किए। 3 नहीं 4-4 खून किए मैंने। हाँ अब आया ना चपेट में, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है मोबाइल में। अब कल जाके अदालत में गवाही दूंगा तेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ गवाही देगा? गला छोड़, मर जाऊंगा मैं। क्या कर रहा है यार तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे तू मेरी छोड़ और तेरी सोच, कल अदालत में गवाही देके तुझे जेल भिजवाऊंगा, अगर जो मैं चाहता हूँ तूने नहीं किया तो। क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? मुझे आटे के लिए पैसे चाहिए, पैसे, वो भी बहुत सारे। साफ साफ बताओ के क्या रकम चाहिए? 5 करोड़ 10 करोड़? 5-10 करोड़ से काम नहीं चलेगा, मेरा पूरा खानदान भूखा है, मुझे पूरे 50 करोड़ चाहिए, 50 करोड़। ऐसे चिल्लाने से भी काम नहीं चलेगा, 50 करोड़ तो देने पड़ेंगे। और हाँ, पैसे तो सिर्फ मेरे को ही देना, मेरे पास आटे के भी पैसे नहीं है यार, और हमारे बीच में और कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। और अगर मान ले किसी को पता चल गया और हम दोनों के बीच में कोई आ गया तो? हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। बिल्लू बच के रहना, बहुत डेंजर आदमी है ये हिंदुस्तानी, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो डायरेक्ट गर्दन उखाड़ेगा। चल ठीक है, और मेरे साथ बैठ के देसी दारू पीनी पड़ेगी। मैं शराब नहीं पीता। अरे ऐसे कैसे नहीं पिएगा दारू? दारू तो पीनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ऐसे कैसे रफा दफा कर देगा? आज तो मैं तुझे दारू पिला पिला के मारूंगा। तुम हिंदुस्तानियों ने भी बहुत खून बहाया है हम लोगों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? हाँ यार ये भी बात सही है, जान माल का नुकसान तो दोनों तरफ हुआ था, लेकिन अब आगे क्या करें हम? मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। हाँ ये हुई ना बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद।